नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दौलत है ही ऐसी चीज, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर है सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था, अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा के कॉमिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं और भी उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी डोगा के कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खटाक! ओह, ये मेरी लड़ाई है, मुझे इनसे खुद मुकाबला करने का हौसला जुटाना होगा, नेवले की तरह, दोगा की तरह, धार! आह, इस नौजवान की तरह जो मेरी मदद कर रहा है। वाह, अच्छा निशाना लगाया तुमने। इतनी सुबह यहां का क्या कर रहे थे? मैं तो लायन जिम ही आ रहा था, मुझे डोगा ने यहां भेजा है। डोगा ने? हाँ भेजा तो था। मैं सूरज हूं, इस जिम का कोच, अदरक चाचा का शिष्य, जॉगिंग से लौट रहा था। आओ अंदर चलो। लेकिन वो बदमाश, अंदर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। डोगा ने भेजा था तो अदरक चाचा सक्षम को मना कैसे कर सकते थे? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार विपुल। जाओ पहले नहा धो लो, तुम्हारे पास से गटर की बदबू आ रही है। जब से डोगा को गटर में देखा है मुझे बदबू अच्छी लगने लगी है अदरक चाचा। जालिमों से लोहा लेने के लिए जब वो गटर में घुसकर बदबू बर्दाश्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, लेकिन आपका आदेश भी नहीं डाल सकता। उसके चेहरे की मासूमियत और भोलेपन ने ही मुझे इसे यहां भेजने पर मजबूर किया था अदरक चाचा। मैंने इसके चेहरे पर खामोशी पड़ी वो चिंगारी देखी है सूरज, जो कभी तुम्हारे चेहरे पर भी मैंने देखी थी तुम्हारे डोगा बनने से पूर्व। सक्षम नहा धोकर बाहर निकला तो सूरज की तरह धमक रहा था। वेरी इनोसेंट विपुल, तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारा पालन पोषण एक अनाथ की तरह हुआ है। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ सूरज भैया, मगर एक कमी है, लगता है तुम्हारे हाथ ने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया है, ये रोई की तरह मुलायम है। तुम्हारी ककड़ी जैसी बाजुएं देखो, ये तो चूड़िया का बोझ भी नहीं सह पाएंगी। सूरज भैया क्या तुम मुझे चूड़िया पहनाना चाहते हो? नहीं, लेकिन शेर का बच्चा जंगल में जब अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले पंजे चलाना सीखता है ताकि अपनी हिफाजत खुद कर सके। अब तुम जिम में आए हो तो पंजे चलाना सीखो। इन लोगों की तरह जिस्म बनाओ, ताकत भरो, मर्द बनो। वाओ, क्या ये ताकत इन्हें जिम के कसरत करके मिलती है? सूरज भैया ताकत तो शरीर में ही होती है, उसे टेक्निक्स के जरिए यहां उभारा जाता है। तो मैं भी उभारता हूं। हम वो कुछ ज्यादा था, ये वाला ठीक है। हम सूरज भैया मेरे ख्याल से इसे मैं अवश्य उठा लूंगा। उफ, ये वजन मेरी ताकत के अनुकूल है। हम्फ, अब ये डंबल भी नहीं उठेगा क्या? हम्फ, शायद तुम ये क्रोबार उठा लोगे। दस किलो के लोहे की रॉड भी नहीं उठी। सूरज भैया आप ठीक कह रहे थे, मुझे यहाँ पंजे चलाने सीखने की जरूरत है। सूरज भैया आपका अखबार। जैसे ही मामा को मेरी फरारी का पता चलेगा वो भूखे शेर की तरह आंसू पर टूट पड़ेगा। आंसू उसका मुकाबला कर पाएगा या नहीं, मुझे उससे मुकाबला के लिए तैयार रहना होगा। और उस खबर ने जैसे कुमार सक्षम को जर कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता था? क्या नहीं हो सकता विपुल? वो
ये देखिए सूरज भैया, 18वें जन्मदिन के पूर्व रात कुमार सक्षम का अपहरण हो गया। लेकिन कैसे इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच से अपहरण? आंसू कहीं चला गया होगा, मैं वहां हूं नहीं, शायद इसलिए ऐसा समझ लिया गया होगा। ओह, तो ये बात है। अपहरण गार्ड्स की मदद से किया गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सिंह अंडरवर्ल्ड का ही आदमी निकला। अपहरण के लिए चली गोलियों में 3 नौकर मारे गए। गोलियां चली? उफ, इसका मतलब आंसू अपने आप कहीं नहीं गया। महल में अपहरण की वारदात सचमुच हुई है, और वो लोग आशुतोष को कुमार सक्षम उठा समझकर उठाकर ले गए हैं। 3 गिरोह पर अपहरण का संदेह। चीफ, मार्शल, अबाउलाबू। ये काम मार्शल का होगा, क्योंकि उसके आदमी फौजी के नेतृत्व में गटर में मेरा रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मार्शल अब ज्यादा सांसें नहीं ले पाएगा। कल के अखबार में उसकी तबाही की खबरें छपेगी। आंसू, उफ, तुम्हें मेरे अपहरण का पूर्वानुमान हो गया था। मेरी मुसीबत तुमने अपने सर ले ली। सुबक, मैं तुम्हारे इरादे नहीं भाप सका, तुम्हें छोड़कर चला आया। भाप नहीं सका, मगर तुम्हारे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अपने कारण तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हम, अरे यार, हम, माय गॉड। 10 किलोग्राम के लोहे का डंडा भी ना उठा पाने वाले हाथों ने अचानक 80 किलो का भारी भरकम वजन उठा लिया है, जिसे उठाने में अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। हम, आपने ईमेल फ्रेंड के अपहरण की खबर पढ़कर इसे आघात लगा है। मैं तुमसे कह भी रहा था, ये लड़का रात में छुपे हुई चिंगारी की तरह है। अनाथ होने का दुख अपने आप में बहुत बड़ा होता है सूरज। तुम उसे झेल चुके हो, और ये दुख भावनाओं का ऐसा तूफान पैदा करता है जो किसी भी तूफान से टक्कर देने में सक्षम होता है। मैंने इस लड़के की आंखों में ऐसा ही एक तूफान देखा है। मुझे रात की प्रतीक्षा है डोगा बनने के लिए। कुमार सक्षम के पास इंतजार करने की कोई वजह नहीं थी। मैं वापस वहां लौटूंगा। मेरे वहां पहुंचते ही उस किडनैपर को यह हकीकत पता चल जाएगी तो उसने जिसका अपहरण किया है वो कुमार सक्षम नहीं, उसका दोस्त आंसू है। उसे उसको छोड़ना ही होगा। लेकिन जिसने भी उसका अपहरण किया है, मेरी दौलत पाने के लिए किया है, और दौलत तो मामा को भी चाहिए। कहीं इस अपहरण में मामा का ही हाथ तो नहीं? गुंडे तो उसने भी पाल रखे हैं, कहीं उसी के ही आदमी ने मेरे धोखे में आंसू को उठाकर नहीं ले गए होंगे। अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे अपने सामने पाकर मामा की बाछें खिल जाएगी। उसके हाथ तो बटेर लग जाएगी। किडनैपिंग की खबर तो फैल ही चुकी है। वो मुझे दुनिया के सामने नहीं आने देगा। मैं उसे मिल जाऊंगा तो वो आंसू को कत्ल भी कर सकता है। नहीं, सीधे सीधे वहां जाना ठीक नहीं। सक्षम के चेहरे के चप्पे चप्पे पर जबरदस्त लाचारी अट्ठास कर रही थी। तो फिर क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं आंसू को खोना नहीं चाहता। हाँ, एक शख्स है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। सफदरजंग अंकल। लेकिन मैं, ओ, ये तो, ओह, पता नहीं क्या देखा था उसने कि चेहरे पर आश्चर्य टक्कर मारने लगा था। महल में मामा पर गिर रही थी सफदरजंग की शब्दों की बिजली। सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सिंह की नियुक्ति मैंने तुम्हारी सिफारिश पर ही की थी मिस्टर प्रताप, और बार बार ही घर को खा गई। कुमार सक्षम पर तुम्हारे भी जुर्म मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। याद रखना मामा, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया जो ये साबित कर दे कि सक्षम की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें वो सबूत कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी कमीनगी से तो अब मैं भी वाकिफ हो गया हूं कंस मामा। ठक, बताओ कहाँ ले गए हैं तुम्हारे आदमी कुमार सक्षम को? धड़, ओह, जवाब दो। मैंने अपने भांजे को किडनैप नहीं किया। खनाक, झूठ और जुर्म से मुझे बेहद सख्त नफरत है मामा।
और दौलत की इच्छा ये दोनों ही कर्म सिखाती है। तड़ाक, कुमार सक्षम मेरे पास नहीं है, ये तो मुझे टॉर्चर रूम जैसा प्रतीत होता है। हंटर पर चमड़ी और खून के भी निशान हैं। सड़क, ये चमड़ी और एक खून कुमार सक्षम के शरीर पर तेरे जुल्म की कहानी का सबूत मुझे दे रहा है। ऊपर लटकती रस्सी के ठीक नीचे फर्श पर सूख सूख चुकी खून की बूंदे मुझे ये समझाने के लिए काफी है कि तुम अपने भांजे से कितना प्यार करते थे। ऐसे ही बांधा होगा तूने कुमार सक्षम को। मेरे पास कुमार सक्षम नहीं है डोगा। ऐसे ही चोटें दी होगी तूने उसे। भटाक, वो मासूम भी ऐसे ही दर्द से चिल्लाया होगा, छटपटाया होगा। फिर ऐसे ही खोला होगा तूने उसे। धम, आह, हाँ, मैंने उस पर जुल्म किया क्योंकि ट्रस्ट 18 साल तक मुझे 2 लाख रुपए महीना देता। उसके बाद 18 का होते ही सब कुछ कुमार सक्षम के नाम कर दिया जाता, तो मुझे ये खर्चा मिलना बंद हो जाने वाला था। मैं उसे डरा धमका कर रखना चाहता था ताकि बाद में भी वो मेरे कहने पर चले। बस डोगा, मेरा इतना ही कसूर है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता डोगा। मगर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बारी बारी से उन जुल्मों का स्वाद चखा रहा हूं कंस मामा, जो तुमने कुमार सक्षम पर किए। तुम रिश्तों के नाम पर कलंक हो मामा, तुम्हारी भावनाएं लालच के बोझ तले दबी है। किर, चीखते चीखते मामा बेहोश हो गया। टोगा गटर के रास्ते वापस लौट पड़ा। मामा सच कह रहा था, कुमार सक्षम के बारे में वाकई उसे कुछ नहीं पता। तो फिर कहाँ है वो? यहाँ मेरे पास। मेरे पास है कुमार सक्षम। सारा मुंबई शहर जिसकी ताक में था वो मेरे पास है। मैं उसे महल में उड़ाकर यहां लाया। मैंने कुमार सक्षम को सिक्योरिटी इंचार्ज सिंह की मदद से उड़वाया है। क्या करता, दौलत है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देती है। कंप्यूटर टीचर वसरे के रूप में गया डैडी भी मेरा ही आदमी था। सिर झुकाए क्यों बैठे हो कुमार बेटे, सिर उठाओ। सिंह, इसके बंधन खोल दो, चाकू दो इसके हाथ में, ये केक काटेगा। आज इसका जन्मदिन है, अपना 18वां जन्मदिन ये खुली हवा में महल की कैदी दीवारों से बाहर जाकर मनाना चाहता था, तो हम इसे बाहर ले आए। अरे भाई, अंधेरा क्यों कर रखा है, रोशनी करो, आज कुमार सक्षम का जन्मदिन है। 18 साल का हो गया है वो, हम उसकी जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। माफिया गिरोह में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। कौन छीन ले गया मार्शल के हाथ का निवाला? खनाक, कुमार सक्षम के महल से गायब करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका था मैं, मुझसे पहले ही किसने गायब कर दिया उसे। वो जो भी है, उसने महल से उसे गायब करके मेरा काम और भी आसान कर दिया है। बावलाभू उसकी मां को खोजकर वहां से उड़ा लाएगा कुमार सक्षम को, और जो विजेता बना था वो यहां पर खुश था। ऊपर कर अपना चेहरा। तू है बियरेड चेक हमारे लिए, जिसे हमारा बॉस कैश करेंगे। मगर अविश्वास की आग आंसू के चेहरे को जलाकर राख कर दे लगी थी। जहां आपकी नजर है वहीं पर सबकी नजर है। आखिर कौन है कुमार सक्षम का किडनैपर? कुमार सक्षम के गायब होने पर अंडरवर्ल्ड में कैसी आग लगी? कौन बना कुमार की अकूत दौलत का मालिक? उन्हें दौलत मिली या मौत? पढ़िए एक्शन से भरपूर इस कॉमिक्स का अगला भाग, जिसका नाम है डोगा है ही ऐसी चीज। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।
थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।